गमनी गम पो राड बखाना सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम हो धर्म न दूसरा सत्य समाना संकल्प करो। कथा का यही लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। जिनके जीवन में सत्य रहता है उनके जीवन में सब कुछ रहता है, सब कुछ चला जाए तुम्हारा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना। अगर सत्य छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा। जीवन में सत्य को पकड़े रहोगे माताओं, सब कुछ बच जाएगा। ये थोड़ी सी घटना सुना। एक चोर चोरी करने जा रहा था, एक पंडित जी कथा कर रहे, वो कह रहे थे कि जीवन में सत्य को पकड़ के रखो, बाकी कुछ भी करो। चोर की बात समझ में आ गई। एक बात, एक ही शब्द हमारे जीवन को बदलता है। चोर की बात समझ में आ गई तो चोर जहां भी चोरी करने जावे सत्य बोले। एक दिन उसने कहा राजा के महल में चोरी करूंगा। गया महल में घुस गया, नौकर रोका, ए कहां जा रहे हो? बोले चोरी करने। तो नौकर ने सोचा भाई चोरी करने जा रहा है, को लगता राजा का खास आदमी होगा, कोई ऐसे थोड़ी कहते कि राजा को मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो नौकर ने कहा भैया तू जा, कोई खास आदमी होगा। अंत चला गया और गया महल में तो जहाँ राजा का हार टंगा था, वो हार टंगा हुआ था। राजा का हार उतारा, उसने जेब में रखा, निकल आया। अब राजा स्नान करके बाहर निकला तो कहा मेरा हार कहाँ गया हार? तो डुमडुमी बजी, भाई राजा का हार किसने चुराया, राजा का हार किसने चुराया है? सब नगर में पता चली हार किसने चुराया, राजा को पता चला चोरी हो गया है। उस चोर को ही पता चला तो सब लोग एकत्र आए, चोर भी आ गया। किसी ने पूछा तुमने चुराया? बोले हाँ हमने चुराया। अब वो हार लेकर के खड़ा हो गया, दिखा है हमने चुराया। तो राजा ने कहा तुमने हार चुराया और हमारा? बोले हाँ। किससे पूछ के? बोले नौकरों से पूछ के। भाई नौकरों ने कहा कहाँ जा रहे हो? हमने चोरी करने। तो चोरी करके ले गए। बोले देने क्यों आए हो? बोले महाराज महाराज एक दिन मैं चोरी करने जा रहा था, मेरा काम है चोरी करना, मैं चोरी करने जा रहा था और एक पंडित जी कथा कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जीवन में सत्य को पकड़ के रखो, बाकी कुछ भी करो। तो महाराज मेरा काम चोरी करने का है। तो मैंने कहा क्यों नहीं राजा पर अजमाया जाए? तो महाराज चोरी करने तुम्हारे घर में आया, झूठ नहीं बोला मैं, सत्य मेरे जीवन में है। नौकर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? चोरी करने। क्यों चुराया? हमने किसने चुराया? हमने चुराया, हम झूठ नहीं बोले। और झूठ बोलते तो आपके दरबार में क्यों आते? महाराज हमारे जीवन में सत्य है, चोरी भी करते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। तो राजा ने कहा भाई तू तो बड़ा काम का आदमी है, ऐसा करो इसे इनाम दो और इसे हमारा मंत्री बना दो। एक बार बोलो जय जय श्री। तो केवल माता जीवन में अगर सत्य को पकड़ के रहोगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कथा सुन रहे हो और उल्टे सीधे कर्म भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। रावण की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। रावण से कहा कि भैया तुम भगवान से बैर क्यों कर रहे हो? उसने कहा महाराज मेरा तामसी शरीर है, मैं राम का नाम ले नहीं पाऊंगा और नाम लूंगा भी तो बुरे काम छोड़ नहीं पाऊंगा, इससे बढ़िया मैं राम का नाम ही नहीं लेता। मेरा आपसे निवेदन है कि चोटी रखा लो, कंठी पहन लो और उसके बाद भी तिलक लगा रहे हो फिर भी गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, बदनामी मत करो धर्म की। अगर भगवान की सत्संग कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान से जुड़े हो तो गलत कार्य मत करो। क्यों? उसमें तुम्हारे धर्म का भी अपमान होगा, तुम्हारा भी होगा और तुम्हारा परलोक बदल जाएगा। अगर करना है तो केवल हर भजन करिए, बुरे काम को छोड़ दो। अगर बुरे काम कर रहे हो तो मेरे प्रभु के नाम को बदनाम मत करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में बताया है कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है।